सुप्रभात बच्चों, एसईआरटी द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा पढ़ाई तुम्हारे द्वार में आज कक्षा छठवीं संस्कृत वर्षा गीतम पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है, वर्षा गीतम वर्षा वर्षा ऋतु के बारे में गीत है। इसमें वर्षा ऋतु के आने से पहले या फिर वर्षा ऋतु आई है और वर्षा ऋतु में बारिश नहीं हो रहा, उस पर आधारित यह गीत है। बाल गीतम है, बच्चों के लिए गीत है ना, कविता के रूप में। पाठ शुरू करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखें कोरोना के लिए, फिर से कोरोना का स्पीड थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसलिए मास्क पहने बगैर घर से न निकलें। जब तक कोई जरूरी काम विशेष कार्य न हो, घर से बाहर बिल्कुल भी न निकलें और हाथ अच्छी तरह साबुन से या सैनिटाइज करके रखें। सब्जियों को धोकर उपयोग करें, इतना सावधानी रखें ताकि कोरोना को हराया जा सके। और तबीयत खराब होने पर तुरंत हेल्पलाइन सरकार बहुत सारा जारी कर रही है, उसे संपर्क करके स्वस्थ रहने। ठीक है, पाठ शुरू करते हैं। वर्षा गीतम, इसमें जलधर, जलधर यानी जल को धरने वाला या धारण करने वाला कौन होता है? बादल। ठीक है, इसमें शब्दार्थ जैसे दिया हुआ है कि यही यानी हे जलधर यानी बादल, तड़ागे तड़ाग यानी तालाब है ना, इस विभक्ति लगा हमें। नयो यानी नहीं, सी गति यानी कमजोर हो गया है, कुपेशु यानी कुओं में, कुप यानी कुआं, अधीरम माने बिना धैर्य के, सत्वरम माने शीघ्र तुरंत, अपहर यानी दूर करो, तृषिता यानी प्यासी, गावा यानी गायें, वराका यानी बेचारे, संचर यानी छा जाओ, परिता यानी चारों ओर, सदनम यानी महल भवन घर, वदनम यानी मुख, तेज यानी गर्मी प्रकाश, नमु माने अवश्य ही। तो इस तरह से इसमें शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ को पढ़ लेने से, उसके अर्थों को समझ लेने से पाठ का अर्थ समझने में सरल होता है, सरल पड़ता है। इसलिए पहले शब्दार्थ का अध्ययन कर लेना चाहिए, है ना। देखो इसमें फोटो बना हुआ है बारिश का, है ना, चिड़िया का बना हुआ है ना, वो अपने बच्चों को बता रहे हैं क्या है ना। देखिए इसको पढ़ते हैं। यही यही रे वर्षा जलधर, ग्राम तड़ागे नेव बत जलम, सिदति खिन्नम तटे गोकुलम, ग्राम नदियम खरु जल हिना, व्याकुलिता दृश्यन्ते मीना, गृह कुपेषु च न नहि नहि नीरम, हृदय मतो मे जातम धीरम, दुख दैन्यम सत्वरम अपहर, यही यही रे वर्षा जल। तो यही यही रे यानी हे वर्षा जलधर यानी हे बादल, हे वर्षा को लाने वाले बादल, ग्राम तड़ागे, ग्राम ने गांव, ने ग्राम पंचायत जिसे ग्राम, ग्राम तड़ागे यानी तालाब सरोवर है ना, तो तड़ागे यानी तालाब, ग्राम तड़ागे यानी ग्राम के तालाब में है ना, सप्तमी विभक्ति में, तो ग्राम के तालाब में नयो बत जलम, जल नहीं है, गांव के तालाब में जल नहीं है। तो इसमें बादल से बात कर रहे हैं कि हे वर्षा जलधर, हे बादल, हमारे गांव के तालाब में जल नहीं है या जल कम हो गया है। सीदति खिन्नम तटे गोकुलम, और जो गाय का झुंड है, गाय जो चराने जाते हैं, फिर गांव लोग पानी पीने जाते हैं, नदियों या तालाबों में पानी पीते हैं, तो गोकुलम जो गायों का झुंड है, खिन्नम माने दुखी हो रहे हैं, है ना। खिन्नम सीदति तटे गोकुलम, तट यानी तट पर, इसके तालाब के तट पर खिन्न हो रहे हैं, सीदति हो रहे हैं यानी सीदति यानी क्या, कमजोर हो गया है। कमजोर हो गया कहने का मतलब यह है कि गाय गांव जो गाय हैं उनको पीने के पर्याप्त पानी नहीं मिल रहे हैं ना। कभी कभी लगता है कि अब कम रहेगा तो हमारे पास खाद्यान्न कम रहता है, लगता है कम खाए उसको। तो ठीक उसी तरह से तालाबों में एकदम पानी नहीं है, तो जो तट पर गायों का जो झुंड है, वह गायें जो है कमजोर हो जा रही है, खिन्न हो जा रही है, दुखी हो जा रही है। ठीक है, हे वर्षा जलधर, हे बादल,
हमारे गांव के तालाब में जल नहीं है, जो गाय हैं, जो तटों पर गाय हैं, वह जो है पानी की कमी की वजह से कमजोर होते जा रहे हैं। ठीक है। ग्राम नदियम खलु जलहीना व्याकुलिता दृश्यन्ते मीना। ग्राम नदियम, ग्राम की नदियां, जो गांव के आसपास जो नदियां बहती हैं, खलु आने निश्चय ही जलहीना, जलहीना मतलब जल से ही, मतलब जल नहीं है। कहने का मतलब जो गांव की नदियां हैं वह भी जलहीन है, मतलब गांव की नदियों में भी जल नहीं है, पानी नहीं है। व्याकुलिता दृश्यन्ते मीना, और उस पर जो मीन है, मीन यानी क्या, मछली है ना, दृश्यन्ते यानी दिखते हैं, दिखाई देते हैं। तो जो मछलियां हैं, कहाँ की मछलियां हैं, जो नदियों पर, ठीक है, तो जो नदियों की मछली हैं वह मछलियां भी व्याकुल दिख रही हैं। ठीक है, पानी देखना, पानी कम होता है तो ऐसे ऊपर तरफ निकलती है ना, तो पानी जब गहरा रहेगा तो सब पानी में ही मछलियों को ठीक लगता है ना। तो यदि नदी का जल कम हो गया है, वह भी क्या हो रही है, फिर वो व्याकुल हो रही है, चिंतित हो रही है ना। तो ग्राम नदियम खलु जलहीना, जो गांव की नदियां हैं वह भी जलहीन है, मतलब उनमें भी जल नहीं है। इसी कारण वहां पर जो रहने वाली मछलियां हैं वह मछलियां जो है व्याकुल हो रहे हैं। ठीक है। गृह कूपेशु च नहि नीरम। गृह यानी घर, गृह आवास सदन, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द घर के, है ना। तो गृह यानी घर, कूपेशु, कूपेशु माने कुओं में, कूप यानी कुआं, बहुवचन है ना। कूपेशु माने सप्तमी विभक्ति बहुवचन, बालकेशु तो पंचमी विभक्ति, यहाँ पर देखो कूपेशु माने कुओं में, बहुवचन स्त्री है ना। तो गृह कूपेशु माने घर के कुओं में, बहुत सारा कुआं है, मतलब सभी के कुओं का, यहाँ पर एक तो रहता तो कूप होता नहीं, लेकिन क्या लिखते हैं यहाँ पर, कूपेशु यानी बहुत बहुत सारे कुआं है, तो इसलिए कह रहा है कि कूपेशु यानी गांव के जो कुआं है या घरों का जो कुआं है बहुत सारा, तो उन कुओं में भी नहीं नहीं नीरन माने, नीर यानी क्या, नीर यानी जल, नीर जल सलील पानी, अम्बु, ये सब क्या है इसके पर्यायवाची, जल पानी के, है ना। तो नीरम यानी जल, तो कह रहा है कि गांव का जो कुआं है, जो गृह कूपेशु माने घर के जो कुआं है, उनमें भी जल नहीं है, उसमें भी पानी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर कहा कि तालाब में पानी नहीं है, फिर कह रहा है कि नदियों में पानी नहीं है, उसके बाद क्या बता रहा है कि घर के जो कुआं है, घर के आसपास जितने कुएं हैं उनमें भी जल नहीं है। ठीक है। हृदय मतो में जातम अधीरम। तो हृदय मतो माने मेरा हृदय भी, जातम अधीरम मेरा हृदय भी अधीर हो रहा है, अधीर हो रहा है व्याकुल हो रहा है, चिंतित हो रहा है ना। अधीर होना है, व्याकुल होना है, किसी को पाने के लिए अधीरता दिखाना, तो वो अधीर हो रहा है कि कब बारिश हो जाए। ठीक है। तो हृदय मतो मतलब मेरा हृदय भी जातम अधीरम, जा रहा है अधीर हो जा रहा है, जातम या अधीरम माने अधीरता को प्राप्त कर रहा है। तो मेरा जो हृदय है या मेरा जो मन है वह भी अधीर हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, चिंतित हो रहा है। दुखम दैन्यम सत्वराहम। तो यहाँ पर क्या, दुख दैन्य माने दुख को और दीनता को, यानी गरीबी है ना, तो दुख और दीनता क्या, जल से, जो जल का जो अभाव है उसके कारण जो दुख उत्पन्न हो रहा है, दीनता का अपने आप में महसूस हो रहा है, उसको सत्वर माने तुरंत, अपहर माने दूर करना, तो उसको तुरंत दूर करो। यही यही रे वर्षा जलधर, हे वर्षा जलधर, हे बादल, तुम जो है हमारे दुख को और हमारे दुख और दीनता को तुरंत जो है दूर करो। दूर कैसे करोगे, मतलब बारिश करो। ठीक है। तो हमारे दुख और दीनता को तुरंत हर लो, दूर कर दो, कहने का मतलब तुरंत बारिश करो। ठीक है। आगे है, त्रिसिता गावस त्रिसिता लतिका, त्रिसितास्ते चातका वरा, आकाशे तम संचर संचर, यही रे वर्षा जलधर। तो त्रिसिता गावा त्रिसिता लतिका, त्रिसिता यानी क्या, प्यासे है ना, तो गावा त्रिसिता, तो गाय जो है, गायों का झुंड जो है, गाय जो है वो क्या है, त्रिसिता यानी प्यासी है, लतिका प्यासे। जब अब बारिश का तो देखो सबको इंतजार रहता है ना, पेड़ पौधों जीव जंतु जितने रहते हैं सबको बारिश का, सबको इंतजार रहता है, गर्मी पड़ती है, गर्मी के बाद बारिश की, अगर सही समय पर बारिश ना हो तो सबको चिंता होने लगती है ना, क्योंकि जब बारिश आता है तभी पूरे धरती पर हरियाली आती है ना। तो गर्मी में देखते हो एकदम पूरा पेड़ पौधे घास छोटे से पूरा झुलस जाते हैं और पूरा चिंता
चट्टान जैसे हो जाता है, पूरा सूखा सूखा दिखता है, जब बारिश आती है तो फिर से पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, सुंदरता बढ़ जाता है पृथ्वी का। तो उस बारिश का सभी जीव जंतुओं को इंतजार रहता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि त्रिस्ता गावा त्रिस्ता, मतलब जो गाय है वह तो प्यासी है ही, साथ में लतिका लतिका यानी लताएं है ना, जो पेड़ पौधे हैं लताएं हैं वह भी क्या है, त्रिसिता है, वह भी जो है प्यासी है। त्रिस्ताहस्ते चातका वराका, और जो बराका है बिचारे, है ना, बेचारे चातक, चातक पक्षी जानते हो तुम लोग, बारिश का पानी को पीता है ना, नीचे का पानी नहीं पीता, उसको बोलते हैं कि वह जो है आसमान से गिरते हुए पानी को पीता है, ठीक है, चातक पक्षी। तो त्रिस्तास्ते चातका, वो जो बेचारे चातक पक्षियां हैं वह भी जो है प्यासी हैं। तो गाव गावत त्रिस्ता यानी गाय प्यासी है, लताएं प्यासी हैं, और बेचारे जो है चातक पक्षियां भी प्यासे हैं। आकाशे तुम संचर संचर, आकाश में वही सब विभक्ति ना, आकाश में तुम मने तुम संचर संचर, संचर संचर मने जल्दी जल्दी दौड़ो, है ना, संचरण करो यानी चलते रहो, या फिर आके बारिश करो, है ना। तो कह रहा है कि यही यही रे वर्षा जलधर, हे वर्षा जलधर, हे बादल, तो वहां पर बादल के फोटो दिख रहा है, ऐसी बारिश होने से पहले इसी तरह का बादल जो है रहता है ना, काला बादल आता है घना, तो उसी तरह से बारिश, और फिर ये बारिश करता है, यहाँ फोटो दिख रहा होगा आपको चित्र, तो उसी से कह रहा है कि हे वर्षा जलधर, आप जो है जल्दी से बारिश करो, जल्दी से आकाश में संचर करो, मतलब हमारे आकाश में छा जाओ, पूरे धरती में पूरे आकाश में छा जाओ, और जल्दी से बारिश करो, ताकि जो है गाय प्यासी है, लताएं प्यासी हैं, और बेचारे चातक पक्षियां प्यासे हैं, उनका प्यास बुझ सके, ठीक है। तप्तम परी तो अस्माकं सदनम, शुष्क प्रायम सदैव वदनम, रवि ते जो ननु दहति लोचनम, शरीर अखिलम धर्म पीनम, प्रक्रम सकलम वातावरणम, दुर्धन मधुना लोक जीवनम, जन संतापम सुदूर अपहर, यही रे वर्षा जलधर। तो तप्तम परितः अस्माकं, यहाँ पर देखो परितो अस्माकं लिखा है, तो इसका संधि विच्छेद यदि करोगे तो परितः धन अस्माकं, परितः यानी क्या होता है, यानी परितः यानी चारों ओर, है ना, हमारे चारों ओर। तो तप्तम परितः अस्माकं, हमारा जो चारों ओर है तप्त हो गया, तप्त तो माने क्या, तप गया, तप यानी क्या, गर्मी, है ना। तो परितः अस्माकं मतलब हमारा चारों ओर गर्म हो गया है, सदनम यानी घर, कहने के मतलब हमारे घर, सदन सदन भवन आवास घर, है ना, क्या है पर्यायवाची है इसके, घर के सदनम लिखा है, मतलब घर के आसपास। तो तप्तम परिता, तो तप्त हो गया है परिता ने चारों ओर, अस्माकम सदनम माने हमारे घर के, तो हमारे घर के चारों ओर, चारों तरफ यानी सभी ओर तप्त हो गया है, मतलब आस पास, कहने का मतलब हमारे घर के आसपास यानी हमारा आस पास का वातावरण पूरा तप्त हो गया है, गर्म हो गया है, ठीक है। शुष्क प्रायम सदैव वदनम, और शुष्क प्राय हमारा जो चेहरा, वदन यानी मुख, है ना, वदन यानी मुख है, लेकिन शरीर को भी कह सकते हो, सदैव वदनम मतलब शुष्क प्राय, शुष्क हो गया ना, सूखा हो गया, सूखा कैसे होगा, धूप की वजह से, है ना, तो गर्म हो रहा है, जब हमारा आस पास जब गर्म हो गया है, घर के आस पास पूरा तप्त हो रहा है, तो हमारा शरीर भी जो है तप्त हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। शुष्क शुष्क प्रायम सदैव वदनम, हमारा शरीर भी एकदम हमेशा के लिए एकदम गरम गरम जैसा हो गया है, पूरा शरीर जो है सूख जा रहा है, ठीक है। तप्तम परितो अस्माकम सदनम, तप्तम माने गर्म हो गया, परित अस्माकम माने परिता यानी चारों ओर, अस्माकम सदनम माने हमारे घर के चारों ओर प्राय एकदम तप्त हो गया है, एकदम गर्म हो गया है हमारे घर के आसपास पूरा वातावरण। अशुष्क प्रायम सदैव वदनम, हमारा जो शरीर है, हमारा जूठ है, वह सूख गया है गर्मी के वजह से, सूख गया है, ठीक है, लाल पड़ गया है, जैसे गर्मी में अगर धूप में निकलो तो देखना, धूप में आके वापस देखना अपने चेहरे को, तो लाल हो जाता है गर्म की वजह से, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा शरीर, हमारा मुख जो है सूख गया है। रवि ते जो ननु दहति लोचनम, शरीरम अखिलम धर्म क्लीनम, प्रखरम सकलम वातावरणम। तो रवि, रवि यानी क्या है, रवि यानी सूर्य, वो अभी जो है रवि, दिनकर भास्कर मार्तंड, सूरज किसके पर्यायवाची है, ये सूरज के, सूर्य के, है ना। तो रवि तेजो ननु दहति लोचना, और दहति यानी जलना, है ना, ननु यानी निश्चय, लोचना लोचन किसका, नयन लोचन, चक्षु उद्रीब ये किसके पर्यायवाची है, आँख के, लोचन यानी क्या हो गया आँख। तो रवि ते
जो ननु दाति लोचना, ये जो सूर्य है वह निश्चय ही हमारे आंखों को जला रहा है। तो देखना धूप में निकलता है आंख जलता है, तो लोग भी काला चश्मा पहनते हैं कि थोड़ा कम उसमें धूप लगे ना। तो जो सूर्य है वह हमारे लोचन को दहतीकरण में जला रहा है, जलाने कहने के मतलब धूप दे रहा है ना। तो ये जो सूर्य है कहने का मतलब इसमें तेज धूप, बरसात के महीने का जो धूप रहता है वो तो गर्मी के महीने से भी ज्यादा तेज लगता है अनुभव करना, है ना। तो जो रवि है, जो सूर्य है, तो उसका जो गर्म है ना, वह दति लोचन हमारे आंखों को जला रहा है। जला रहा मतलब तेज धूप कर रहा है, हमारे आंखों को नुकसान कर रहा है या फिर तेज गर्मी लगा रहा है ना। शरीरम अखिलम धर्म धर्म क्लीनम, और जो शरीर अखिल शरीर माने पूरा शरीर है ना, अखिल ब्रह्मांड जिसे बोलते हैं पूरा ब्रह्मांड, कहने का मतलब अखिल शरीर क्या मतलब पूरा शरीर। धर्म क्लीनम में क्या हो गया, पूरा क्लीनम यानी पसीना, तो पसीना से पूरा तर हो गया है, कहने का मतलब जब गर्मी आता है तो जानते हो अब गर्मी का महीना शुरू होने वाला है ना। तो पूरा शरीर जो है बाहर निकल के देखना, तो जब गर्मी लगता है तो पूरा शरीर जो है पसीना से तर बतर हो जाता है। तो ठीक उसी को कह रहा है कि शरीर में अखिलम, और जो हमारा शरीर है वह पूरा शरीर जो है पसीने से तर बतर हो गया है। प्रखरम सकलम वातावरण, अब प्रखर हो गया है, प्रखर यानी तेज तेज है ना। तो सकलम वातावरण, तो जो वातावरण है हमारा जो आस पास है वह सकल यानी पूरा वातावरण प्रखर हो गया। प्रखर माने तेज, तेज का मतलब यहाँ पर तेज गर्मी से है ना। तो हमारा वातावरण जो है, हमारा जो आस पास का एरिया जो है वह पूरा वातावरण प्रखर हो चुका है, मतलब तेज हो गया, मतलब भयंकर गर्मी पड़ रहा है। ठीक है, तो रवि तेजो ननु दधि लोचनम, ये जो सूर्य की किरणें हैं, ये जो सूरज है वह हमारे आंखों को जला रहा है, मतलब तेज रोशनी दे रहा है। शरीरम अखिलम धर्म क्लीनम, और जो हमारा शरीर है वह जो पूरे पसीने से तर बतर हो जा रहा है, गीला हो जा रहा है। प्रखरम सकलम वातावरण, और जो वातावरण है हमारा जो आस पास है वह सकल वातावरण वह पूरा वातावरण तेज हो गया है, मतलब गर्मी एकदम पूरा बढ़ गया है। ठीक है, दुर्धरम अधुना लोक जीवनम जन संतापम सुदूर पहाड़ यही रे वर्षा जलधार। दुर्धरम अधुना, अधुना यानी आज है ना, दुर्धर माने दुष्कर हो गया है, दुष्कर अधुना मतलब यह जो लोक जीवन है, यह जो संसार है वह कष्टमय हो गया है, मतलब जी पाना मुश्किल हो जा रहा है, मतलब बड़ा कठिन हो रहा है, एकदम कठिनता वाला हो गया है ना। जो आज का समय है, जो गर्मी बढ़ गया है, तो बड़ा कठिनाई बढ़ गया है इस जीवन में, मतलब जीवन को संचालित होने में या जीवन को जीने में, या जीवन जो चल रहा है वह पूरा अस्त व्यस्त जैसा हो गया है, कष्टमय हो गया है ना। कहने का मतलब जो जीवन है वह कष्टमय हो गया। क्यों? क्योंकि आप वर्षा नहीं कर रहे हो, बारिश नहीं कर रहे हो। ठीक है, बारिश हो जाता थोड़ा गर्मी कम हो जाता, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, इसकी वजह से पूरा जीवन जो है कष्टमय हो गया है। ठीक है, दुर्धर मधुना मतलब ये जो जीवन है, लोग जीवन लोगों का जो जीवन है, लोगों का जो रहन सहन है जो पूरा है ना, वह जो है दुर्धर हो गया, माने कष्टमय हो गया है। जन संतापम सुदूरम अपहरणम, तो आप क्या करो हे ये वर्षा जलधर, ये बादल हे वर्षा जलधर, आप जो है जल्दी से बारिश करो और लोगों के संताप को अति शीघ्र दूर करो, मतलब जो लोगों का जो दुख है संताप है वह जो है बारिश करिए जल्दी से, और बारिश करने के बाद उनके संताप को उनके दुख को जल्दी से दूर करें। ठीक है, यही रे वर्षा जल। अब उसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिया हुआ है ना, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, तो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है, संस्कृत में ज्यादा देखते हो ज्यादा बड़ा इसमें आंसर रहता नहीं, उत्तर रहता नहीं है, एक जो किम क्या प्रश्नवाचक जो शब्द रहते हैं उसी में इसको चेंज करके बदल के और उसी में उत्तर को लिखना रहता है। यहाँ पर गलती से ला ला छप गया लास्ट में, उसको ध्यान देना। ठीक है, वो प्रिंट मिस्टेक हो गया है लास्ट में। तो तड़ागे किम नास्ति, तड़ागे माने तालाब में, किम नास्ति तड़ाग में तालाब में क्या नहीं है, तो क्या नहीं है तालाब में, जल नहीं है। तड़ागे जलम नास्ति, तो जल जो है तालाब में, इसका उत्तर होगा तालाब में क्या नहीं है, तो उसका उत्तर होगा तालाब में जल नहीं है। ठीक है ना, केसु कूपेशु जलम नास्ति, किन कुओं में जल नहीं है, किन के कुओं में जल नहीं है, तो
ग्रीक उपेशु माने घरों के खिलौने, घर के जो कुआं है उनमें जलम नास्ति, ग्रीक उपेशु जलम नास्ति। यहाँ पे जो लास्ट में डाला लिखा है वो बिना काम का है ना, ध्यान रखना उसको, मत नोट करना। तो ग्रीक उपेशु जलम नास्ति, घर के कुआं में जल नहीं है। किम जंतवा तृषिता सन्ति, कौन से जंतु जो है प्यासे हैं, कौन कौन से जंतु प्यासे हैं। तो हमने पढ़े थे कौन सा, गावा चातका च जंतवा तृषिता सन्ति, तो गाय और चातक है ना, चातक पक्षी और गाय जो है जंतु जो है प्यासी हैं, तो गाय और चातक जो है प्यासे हैं। ठीक है, आगे का खाली स्थान दिया हुआ है, खाली स्थान क्या दिया है, जलधरा क्या ददाती, जलधर यानी वर्षा के जो जल है, बादल जो है, जलधर यानी क्या, बादल क्या देते हैं हमको, दिमाग लगाइए, अभी पढ़े हैं जलधर क्या देते हैं, पहला खाली स्थान में क्या आएगा, वर्षा है ना, तो उसमें शुरू वाले में वर्षा भी आ सकता है या फिर जलम भी आ सकता है। ठीक है, तो शुरू वाले खाली स्थान में क्या आएगा, वर्षा या फिर जलम दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा खाली स्थान जलम सिदति, दूसरे में क्या आएगा, तो गोकुलम। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा, गोकुलम, तुम्हारे पाठ में ही पूरा दिया हुआ है ना। ठीक उसी तरह से तीसरा है कि जल हिने मीना भवती, तो क्या है तीसरा में, व्याकुलम, दूसरे में क्या है गया, व्याकुलम। चौथा खाली स्थान वर्षा काले सरोवरे तरंती, चौथा में क्या आएगा, मत्स्या मछलियां है ना, तो चौथा में क्या आएगा, मत्स्या आएगा। पांचवा देखो, वर्षा काले खाली स्थान आकाशे संचरंती, वर्षा काल में क्या आकाश में संचर करते हैं या घूमते हैं, तो जलधारा मतलब वही जो बादल है ना, बादल जो है वर्षा काल में, बादलों जो है बादल जो है संचर करते हैं यानी घूमते हैं आकाश में संचर करते। अब इसमें एक दिया था कि प्रत्येक खंड से एक एक शब्द लेकर पांच वाक्य बनाइए। देखो यहाँ पर दिया है, पहला खंड में दिया है कि मेघा शीतला दुग्पानेन बालका दुग्धम, दूसरे खंड में दिया पवना इतस्तता कृष्णा मधुरम बुद्धिम, और तीसरे खंड में दिया वर्धते सन्ति धावन्ति वहति और भावति। तो यहाँ से करना क्या है कि जैसे हम लोग सही जोड़ी बनाते हैं, लगभग उसी तरह से इसको बनाना है कि तीनों में से एक एक लेना है शब्द को और अच्छा से कोई वाक्य बन जाए, है ना। तो ऐसा करके बनाना है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि मेघा, तो मेघा क्या है, मेघा क्या है, मेघ यानी बादल, कृष्णा यानी काला और संति है ना, मेघा कृष्णा संति। तो इस तरह से देखो, मेघा कृष्णा संति, दूसरे कॉलम से फिर देखोगे उसमें, तो इसमें देखो शीतला लिखा है, शीतला है ना, शीतला पवना है ना, और वहति, तो शीतला पवना वहति। तो इस तरह से दुग्ध पानेन बुद्धिम क्या होता है, वर्धते दूध पाने, बुद्धि वर्धते दूध पीने से बुद्धि बढ़ता है ना। तीसरा है चौथा बालका इतस्तता धावंती, बालक जो है इधर उधर दौड़ते हैं घूमते हैं है ना, तो इस तरह दुग्धम दूध, और क्या है दुग्धम मधुरम भवति है ना। तो इस तरह से तीनों खंड से एक एक तो शब्द लीजिए और उसमें एक अच्छा सा वाक्य बनाने का प्रयास करें, तो इस तरह से इसको बना सकते हो। आगे का देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ, दिया था कि जो खाली कोष्टक में जो दिया हुआ है उस कोष्टक में हिंदी में शब्द लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा कोष्टक में लिखा है कि वे सब, तो वे सब को संस्कृत में क्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ऐसा गाय, तो गाय गाय को इस वाक्य के अनुसार गाय में कौन सा रूप होगा या क्या लगाएगा लगेगा यहाँ पर, वो देखना है। उपमने उपमन में खाली इसमें दिया है हिंदी में, तो उसको संस्कृत में करना है। आकाश में दिया है, सभी दिया है, तो पुस्तक में जो दिया है उसमें उसके स्थान पर बाकी इधर संस्कृत में लिखा हुआ है, तो इनको संस्कृत में यदि लिखोगे तो क्या लिखोगे है ना। तो वे सब,
वे सब तो सर्वे भी यहाँ भी लिख सकते हो और ते भी लिख सकते हो, है ना, ते जले किडंती और सर्वे भी लिख सकते हो। ऐसा गौ अस्ति उपवन में, उपवने लिख सकते हो उसमें, है ना, आकाशे यानी आकाश में, है ना, नभे, है ना, तो सभी तो सर्वे प्रसन्ना संति, तो इस तरह से जो पुस्तक में दिया हुआ है इसको आप संस्कृत शब्द इसमें बना के लिखना है। तो पाठ ये कंप्लीट हो गया है। मैं कुछ कुछ चर्चा करना चाहता हूं। देखो मैं तुम लोग से चर्चा करना चाहता हूँ, देखो जैसे कि पढ़ना, पढ़ना का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मुझको परीक्षा में पास होना, ठीक है। यदि आप इस उद्देश्य को लेकर पढ़ेंगे कि बस पढ़ना है और परीक्षा में पास होना है, तो आप सीख नहीं पाएंगे। पढ़ने का मतलब ये होना चाहिए कि उसके बारे में हम जान सके, हमारे अंदर ज्ञान आ जाए उसके बारे में, ठीक है। मैं एक छोटा सा कहानी आपको बता रहा हूँ। एक स्कूल में पढ़ाता था मैं, और स्कूल के जस्ट बगल में पंच रहा था, मतलब हाईवे था, और तीन तरफ और रास्ते, मतलब कुल मिला के पांच रास्ते थे, और वहीं पर एक आम का पेड़ था, और बगल में सीमेंट का बड़ा सा चबूतरा था। उस चबूतरे में एक साइन बना हुआ था, एक चित्र बना हुआ था, पेंटिंग किया। और जब बच्चे लंच होता था तो उसी चबूतरा में जाके बैठते थे, मतलब वो रोज का रूटीन था। स्कूल से चूंकि पास में सटा हुआ था और उसमें एक साइन बना था, मैं उसको एक दिन ब्लैक बोर्ड में बनाया, पूछा बच्चों ये किस चीज का चित्र है, कोई नहीं बता पा, जानते हैं क्यों? मेरा ऐसा मानना है कि वह व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञानी बन सकता है जो अपने दिमाग में अपने आसपास की चीजों को, जब हम सो के उठते हैं और सोने तक, अपने आसपास की चीजों को अगर ये सोच लें कि क्या है, क्यों है और कैसे, क्या क्यों कब कैसे, अगर सभी चीजों के बारे में हमारे दिमाग में एक बात आ जाए, तो मुझे लगता है कि वह सर्वज्ञ हो सकता है, सब चीज आ जाएगा, सब ज्ञान आ जाए। लेकिन हम कभी ऐसा करते नहीं, हम इग्नोर करते, हम देखते हुए भी नहीं देखते। मैं एक कहानी भी बता रहा था, तो वहां पर एक चबूतरा था, बोर्ड था दरअसल वो सीमेंट का, और उसमें एक चित्र बना था, उसको मैं ब्लैक बोर्ड में बनाया और पूछा बच्चों की किस चीज का चित्र है, कोई नहीं बताया। और जबकि रोज का रूटीन था कि वहां पर बच्चे जाके बैठते थे उसी चबूतरा के ऊपर, तो क्या था उसमें लिखा था, प्रधानमंत्री सड़क योजना का एक मोनो बना हुआ था, चित्र बना। तो कहने का मतलब है कि हम उस चीज को देखते हैं लेकिन जानने का किसी चीज को प्रयास नहीं करते हैं। तो हर चीज को जानने का प्रयास करना चाहिए, हमारे आसपास जो घटनाएं हैं, जो चीज हम देखते हैं, तो उनके सभी के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। घर में जब छोटा बच्चा रहता है, आप ध्यान देना कि उसको कितना बार पूछता है क्या है? जब वो पैदा होता है तो उसका दिमाग एकदम कोरा कागज रहता है, प्लेन पेपर, कुछ नहीं रहता उसमें, वो बोलना तक नहीं जानता है सिवाय रोने के, ठीक है। तो लेकिन वह बार बार उत्सुक रहता है किसी चीज को जानने के लिए कि यह क्या है, बार बार पूछता है, एक ही चीज को बार बार पूछता है, और हर नए चीज को जानने का बड़ा उत्सुक रहता है, इसीलिए वह जल्दी जल्दी सीखता है। और वही आदमी सीख पाता है जिससे उत्सुकता, किसी चीज को जानने का उत्सुकता रहता है। यदि जिसको लगे कि मेरे को तो सब आता है, मेरे कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी को पढ़ने की जरूरत या समझने की जरूरत नहीं, तो समझ लो कि कुछ पूरा उसका खत्म हो गया कहानी, ठीक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आज के समय में मैं सोचता हूँ कि सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, गूगल में, मोबाइल में आप बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा कर सकते हैं, पढ़ने का लर्निंग मटेरियल, सामान्य ज्ञान, बहुत सारा चीजें जो दिया रहता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना, तो पूरा नेट है, इंटरनेट है, सारा कुछ आप सीख सकते हैं। अपने से बड़ों का से सहायता लें, जो आपसे बड़े हैं वो बिल्कुल आपसे अनुभव में ज्यादा ही होंगे, कुछ ना कुछ आपसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, तो पूछने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जब जहां से मिले ज्ञान को बटोरना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो कॉमिक्स का बुक गिरे रहता था, कोई ऐसे मिट्टी से झड़ा के उसको पढ़ते थे। आज के बच्चे में वो कॉमिक्स पढ़ने का भी नहीं है। तो अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आपका शब्द ज्ञान अच्छा होता है, शब्दों के बारे में जाने ही क्या है। जैसे भी संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं, संस्कृत में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर देता है, हमको पता ही नहीं चलता है। जैसे यहाँ पर तालाब का जिक्र था, तड़ाक लिख दिया, अब पता नहीं तड़ाक क्या हो गया, लेकिन आपको यदि पर्यायवाची मालूम होता तो तुरंत पता चल जाता कि ये तो तालाब है।
तो बहुत सारी चीजें हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम सीरियल देखने के बजाय न्यूज़पेपर पढ़े या समाचार पढ़े, तो हमारा ज्ञान, ये जो समय है बहुत प्रतिस्पर्धा का समय आ गया है, सामान्य पढ़ना पढ़ना नहीं, जानना जरूरी है, हर चीज को जानने का प्रयास करना चाहिए, तभी जो है आप जो भी चल रहा है उसमें फेस कर पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई पर ध्यान दें। अभी आपको लगता है, बहुत लोगों को लग रहा है कि चलो जनरल परमर्श तो ना गया, पुस्तक पढ़ के क्या करेंगे अभी तो, लेकिन आपका जो कोर्स है, आप अगले क्लासों में चले जाएंगे तो वह दोबारा वो जो कोर्स है आपके ज्ञान के लिए बनाया गया है। यदि किसी बच्चे को हम अनार आमना पढ़ाएं, है ना, और बोले चलो कविता पढ़ो, तो कैसे पढ़ेगा जब तक उसको अनार मालूम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कोर्स है, हमारे लिए जो बना है सब्जेक्ट, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। आपके शिक्षक, मैं सोचता हूँ कि मोबाइल में कनेक्टेड रहते हैं, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो हमेशा उनसे पूछो तो क्या परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल बताएंगे आपको, आपके लिए ही है वो। तो आप अपने समस्याओं को उनके साथ रखिए और अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें, ताकि आगे जब क्लास में आप जाएंगे तो जो पिछला क्लास है वह पूरी तरह से आपको, आपके ज्ञान में रहे, आपको नॉलेज रहे कि हाँ ये क्या है। ठीक है, क्योंकि तो ऐसा नहीं करेंगे तो आपको फिर आगे के क्लासों में पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए जो आपके सिलेबस है, आपके जो कोर्स है, आपके लिए जो दिया हुआ है पढ़ने के लिए मटेरियल, पुस्तक तो आपके पास लगता है कि सबके पास है ही, तो उसको पढ़ने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें और पूरा पढ़ें। पढ़ाई स्कूल में हो रही है नहीं हो रही, आप तो जानते हो कोरोना काल में कितना दिक्कत हो रहा है, स्कूल में शिक्षक बुला नहीं सकते आपको, आपकी जान की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है ना। लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप अपने कोर्स को, अपने पुस्तकों का गहन अध्ययन करें, और जो कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल अपने शिक्षकों से चर्चा करें, अपने मित्रों से चर्चा करें और अध्ययन को निरंतर जारी रखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।